बिहाने 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 बिहाने। सन 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 उड़े चुनरिया जब गोरियन के तन से, गम 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 गौआ गम के जो खुशबू चंदन के। क्या बात। सन 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 उड़े चुनरिया जब गोरियन के तन के, गम 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 गौआ गम के जो खुशबू चंदन के। ये रोज के नजारा बा बिहाने बिहाने। रोज के नजारा बा बिहाने बिहाने। ऐसा बात बा। हाँ। टन 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 बाजे घंटी बैलन के गर्दन से, टन 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 बाजे घंटी बैलन के गर्दन से। आंगन आंगन गमके लागल तुलसी के पूजन से, आंगन आंगन पावन लागे तुलसी के पूजन से। रोज के नजारा बिहाने बिहाने है, रोज के नजारा बिहाने बिहाने। ओम नमः शिवाय, मंदिर मंदिर गुंजेगा चिड़िया चहचहाए, काग मुंडेरवा बोलेगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, मंदिर मंदिर गुंजेला चिड़िया चहचहाए, काग मुंडेरवा बोलेला कगवा के हो, कगवा के बोली पर रास्ता देखे लगल गुजरिया। कब तक रहिए पिया विदेशी कहुए हे सावरिया, कगवा के बोली पर रास्ता देखे लगली गुजरिया। कब आई है मोर पिया विदसिया, कब आई है सांवरिया। रोज के नजारा बा बिहाने बिहाने, ये रोज के नजारा बा बिहाने बिहाने। टन 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 बाजे घंटी बैलन के गर्दन से, अंगना अंगना पावन लागे तुलसी के पूजन से। टन 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 बाजे घंटी बैलन के गर्दन से, अंगना अंगना कमके लागल तुलसी के पूजन से। ये रोज के नजारा।
दर्शक लोग उनके स्वागत में हम अजीत आनंद आगल बने रुआ लोग के स्वागत करता नहीं प्रणाम करता नहीं गोड़ लगाता नहीं और विजया भारती की तरफ से भी रुआ सबके प्रणाम स्वीकार करें। लेकिन बीच में आगल बहुत इम्पोर्टेंट काम सेहत सुधारे वाला तो उस सेहत के सुधारे के दिमाग में रखते हुए बात रुआ सब योगा कर ली आई हमनी के साथ। ध्याने में देखे वाले सभी लोगों का हमारा एक बार फिर नमस्कार। आज हम लेके आए हैं ऐसे योग जो फेस वास्ते बहुत अच्छा होला चेहरे वास्ते बहुत अच्छा होला। कैसे योग करल जाए जैसे चेहरे पे कांति हो जाए लालिमा आ जाए ओजस आ जाए आप बताओ थे तो कि योग के छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं एक कहल जा रहा कपोल शक्ति विकासक क्रिया। आज करें पहली क्रिया इमन करे कहा सिंपल पद्मासन सुखासन बैठ जाए दोनों हाथ अगर ज्ञान मुद्रा में रखें तो ज्यादा लाभ हो जैसे कहा मानसिक रूप से भी आपके लाभ मिली। तो आप करिए पहली क्रिया इमन का करे कह सिंपल अपने चेहरे के अपने मुंह के खोले के है ज्यादा से ज्यादा जितनी देर से खोल सकें खोला उकर बंद कर दा। ई जौन क्रिया है कि 10 बार कम से कम रोज आपके निरंतर प्रैक्टिस करे के चाहिए। तो आई करिए पहली क्रिया देखा अपन चेहरा मैक्सिमम खोले के है फिर बंद करा जिनकर मुंह पे बहुत ज्यादा बबली फेस हो गया मोटा हो गया अगर एक निरंतर अभ्यास करिए तो ओवल फेस हो जाए लंबा हो जाए। दूसरी क्रिया कहा इमन का करल जाला आप देखले हुई हैं गाय भैंस जुगाली कर खाना खा के सिंपल क्रिया आपके का करे के सिंपल अपनी जुगाली जैसे जुगाली कर क्रिया जैसे के करे के हुई या चिंगम जो खाना चिंगम जैसे क्रिया करे के हुई सिंपल क्रिया का करे के है देखा क्रिया अगर आप लोग निरंतर इनका अभ्यास करिए तो इसे लाभ ये हो कि चेहरे पे कांति आ जाए तेज आ जाए ओजस हो जाए उसके अलावा ब्लड का सर्कुलेशन भाग में पर्टिकुलर ज़्यादा हो उसे कहा टॉक्सिन आउट हुई है चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाए धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करिए। कुछ परहेज हम आपको जरूर बताओ थे आपके का ध्यान रखे के हुए जे लोग चाहते हो उनका चेहरा मतलब खिला रहे हमेशा कमल जैसे खिला रहे उनके का करे के चाहिए अपने भोजन में उनके ध्यान रखे चाहिए गरिष्ठ तथा तेलीय पदार्थ धीरे धीरे परित्याग करके चाहिए उस ज़्यादा ना खाए के चाहिए 14 से 16 ग्लास पानी निरंतर रोज सेवन करे के चाहिए। ऊषा पान होला ऊषा पान बहुत सिंपल टेक्निक है मन का करेगा कॉपर जो होला तांबे का एक बर्तन ले लें ओवरनाइट रात भर में पानी रख दें और वो पानी जो है ना प्रातःकाल बासी मुँह बिना ब्रश करे वो पानी पिए उसे भी बहुत लाभ हुई। उसके अलावा एक निरंतर कोशिश करे के चाहिए हम जब भी हम कोई भी भोजन कर रहे थे वो भोजन हमके कम से कम अपने एपेटाइट यानी अपनी भूख से आधा भोजन करे के चाहिए एक बार सप्ताह में उपवास करे के चाहिए उसे भी लाभ हो डिटॉक्सिफिकेशन हो बॉडी से। ये सारी क्रिया और कुछ परहेज अगर आप निरंतर करिए तो धीरे धीरे देखिए कि आपका चेहरा धीरे धीरे खिल जाता। तो ये हम बताऊंगी आपके योग किस तरह योग के द्वारा और व्यवहारिक तरीके द्वारा आप अपने चेहरे पे कांति तो ओजस तेज ला सके ना। अगले प्रोग्राम में हम आपके किसी और बीमारी बारे बताएं तब तक हमके इजाजत दें आप सभी के हमारा एक बार बहुत बहुत फिर नमस्कार। योग खत्म अगल बार दर्शक लोग का बताएं सर रुआ लोग की इतना सारा चिट्ठी हमने कल गया इल बार ता अपन अव्वल पना के नमूना दूसरा उदाहरण पेश करते हुए रुआ सबके बताएं कि आपके फरमाइश पर दूसरा बाजे कलाकार के बुलौले बानी उनका नाम वा संजय कुमार मिश्रा जी बहुत जी ठीक है कल हो तू अच्छा फील हो अव्वल टाइप के जन कहनी है ना ठीक काम लेकिन तार चेहरा से ही नेखे लौकत की काम हम अच्छा कहनी तारा खुशी ना देखा ई बतिया अगर दूसर कोई कहित ता हमरा रियली के उतना खुशी जाहिर भी करती चेहरा पर लेकिन दहरा जुबान से सोच के हम कहने कि आखिर दर्शक लोग हमरा है तो विपक्षी पार्टी ना इस टाइम में हमको ये फीलिंग हो रहा है कि अच्छा होता कि इस आदमी को और हम चिट्ठी के ढेर में घुसा के धोप फिर दिमाग फिर हिट हो गए चलिए दर्शक लोग हमने के संजय कुमार जी के बुलाओ तनी से मन रे मन रे परस हरि के चरण मन रे
हरि के चरण हरि के चरण मन रे परस हरि के चरण सुंदर का बात बा जय हो जय हो जय हो जय हो सुभग शीतल कमल कोमल विविध ज्वाला हरण मन रे परसी हरि के चरण और अपना मन के हरि के चरण में समर्पित करते हुए जे कलाकार एकदम सुर के गहराई में उतरते हुए खेल सकेला वो कलाकार के नाम बा संजय कुमार मिश्रा जी स्वागत करता निशा प्रणाम करता निशा दूसरा बार आवे खातिर आपके फिर से एक बार जोरदार हमरा तरफ से नमस्कार बा और ई बताएं कि पहला बार जब आप यहां से गा के गई नी तक कैसन प्रतिक्रिया मिलर और आपके कैसन महसूस भइल हमनी के साथ समय बिता के बहुत बढ़िया मतलब हम बयान नहीं कर सकते हैं संजय जी मुंबई में आप 22 साल की उम्र से रहतानी और बनारस हर जगह जगह के अनुभव भी बा सीखे के गावे के तब पहला ब्रेक आपके कब मिलल कुछ बड़ा जेकरा मानल जा सकेला अपना करियर में सबसे बड़ा ब्रेक हमके 2000 में मिलल अच्छा कौन रूप में सोनी चैनल पे आदाब अर्ज है हाँ एक सीरियल आवत रहे जो गजल कांटेस्ट रहे अच्छा। तो उनमें मेगा फाइनल हम जितली अच्छा वाह वहां से काफी नाम भेल हमने के चर्चा करते नहीं से जब फर्स्ट ब्रेक मिलल और फर्स्ट ब्रेक के बाद तो उकरा वो पहला ब्रेक मिलल वो से पहले कौन कौन तरीका की तैयारी भेल का दिमाग में रहुआ कि हमरा हर चीज बने के बागे चल के अपन तो मिजाज बचपने से शास्त्रीय संगीत के तरफ रहे और मौका ना मिले सीखे का अच्छा तो पिताजी से हम हट के नहीं पिताजी से तो डर लागे मगर अम्मा से करी तो पिताजी ना चाहत रहने की रुआ पिताजी ना चाहे कि हम गाई वो का चाहत रहने है वो चाहे कोई डॉक्टर इंजीनियर बने अधिकारी बन जाए अच्छा अच्छा तो उन्हें अपने तरह से बनाल चाहत रहना अच्छा अच्छा तो हमरा से शर्त रखना कि अगर तुम हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगे तो मैं तुम्हें गाना सीखने के लिए भेज दूंगा क्या बात अब गाना सीखले के लालच में हम जी बहुत मेहनत केनी जी मगर ना ही आयल फर्स्ट दुई नंबर कम हो गए तब कहना कि अब मुझे लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई तो हमने देखा इतनी पढ़ाई के बाद भी बेटा तुम फर्स्ट नहीं आए तो तुम गाना ही सीखो संजय जी ये तो बहुत अच्छा बात रहा और आप एकरा से पहले बतौनी कि पहला ब्रेक जब आपके मिलल तो गजल गायकी में मिलल जी बड़ा बड़ा उस्ताद हस्ती लोग के बीच जी, में जी, जी। तो ये बात सुन के एगो यहाँ पर प्राणी जेकर नाम बा विजया भारती लालच हो गई गजल सुने वाला सितारों की नजर पथरा रही है
सितारों की नजर पथरा रही है, पलक की नब्ज डूबी जा रही है, पलक की नब्ज डूबी जा रही है, सितारों की नजर पथरा रही है। मुझे छोड़ो तुम अपने को संभालो, मुझे छोड़ो तुम अपने को संभालो, मुझे छोड़ो तुम अपने को संभालो, छोड़ो तुम अपने को संभालो, तुम्हारी जुल्फ बिखरी जा रही है, तुम्हारी जुल्फ बिखरी जा रही है, सितारों की नजर पथरा रही है, सितारों की नजर पथरा रही है, फलक की नब्ज डूबी जा रही है, फलक की नब्ज डूबी जा रही है, सितारों की नजर पथरा रही है, सितारों की नजर पथरा रही है। सुभान अल्लाह। शुक्रिया संजय जी, आपकी गजल के सुन के अभी अभी मन से कुछ उद्गार निकलल बा आपके तारीफ में, अर्ज करें। एकदम 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 भौजी। अरे सनागर न जो हो आपका वो समझे क्या जमाल, सनागर मने प्रशंसक, जमाल मने सुंदरता, सनागर न जो हो आपका वो समझे क्या जमाल, आवाज सुन के यूं लगे हो गए माला माल। वाह वाह वाह, क्या बात, नसीब हूं मैं, आपको अच्छा लग रहा है, दर्शकों को अच्छा लग रहा है। चलिए चलिए यही लगले दर्शक लोग, अब हमने के चल चलल जाओ संजय जी के साथ है और हमने के साथ है मिलजुल के यात्रा पर। उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियन के बीच बसलबा ई पौराणिक नगर हरिद्वार, इहो शक्ति के उपासकन खातिर सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल दक्षेश्वर महादेव मंदिर, मानल जाला कि ई मंदिर ठीक वही जगह पर स्थापित बा जहां कबो देवी पार्वती सती भैल रहली। पौराणिक गाथा के अनुसार एक बेर प्रजापति दक्ष एगो यज्ञ के आयोजन कैलन, लेकिन उ आपन दामाद शिव के अपमानित करे खातिर ओमे ना बुलौलन। कहल जाला कि पार्वती से आपन पति के निंदा बर्दाश्त न भइल और एह निरादर से दुखी होके वो खुद के अग्नि के हवाले कर दिली। जब शिव जी के ए बात के पता चलल तो उक्रोधित होके दक्ष के सिर काट दिलन और आपन कान्हा पर सती के शौले के एहर ओहर भटके लगलन। तीनों लोक में हाहाकार मच गई।
योगी शिव के इस संकट से बचावे खातिर भगवान विष्णु आपन सुदर्शन चक्र से सती के अंग के काट दिहन। जहां जहां सती के अंग गिरल उ जगह आज शक्तिपीठ बा। शक्ति के पुजारी ओहजा आपन आराध्य देवी के पूजा अर्चना करेले। कहल जाला कि यह उ अग्नि कुंड हो जेमे देवी पार्वती आत्मदाह कैले रहली। मंदिर के प्रांगण में एगो विशाल वट वृक्ष बा। भक्त लोग ए वट वृक्ष के भी पूजा अर्चना करेले और आपन मन के मुराद मांगे ले। एक खातिर एक गाछ के डाढ़ पर मोती बांधल जाला और मन्नत पूरा होखला पर एकरा के खोल दिहल जाला। मंदिर के प्रांगण में अनेक देवी देवतन के प्रतिमा स्थापित कैल गैल बा। मंदिर के दीवारन पर बनावल गैल बा सती के जीवन से जुड़ल प्रसंगन के खूबसूरत चित्र। मंदिर के पास ही बहेला गंगा के पवित्र जल। दक्षेश्वर महादेव के दर्शन कैला के बाद श्रद्धालु गंगा जल के आचमन करेले। यह मंदिर के महत्ता के पता यही से चलेला कि हर साल दर्शन खातिर एजा लाखन श्रद्धालु आवेले। सुखद यात्रा के अनुभूति हो रहल बटे। आज संजय कुमार जी हमनी के संजय कुमार मिश्रा जी साथ में बानी। अभी इनका से बातचीत हमनी के और करब। हमरा एक दो बात के और पता लागल बा, खुफिया एकदम जानकारी बा इनका परिवार के बारे में। वो बात किम छ? अच्छा अच्छा ओके चलो। तो ये सब थोड़ा सा लंबा बात बा, पारिवारिक बात हमनी के जानम। सा हसते हसते कट जाए रसते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। आज बहुत मजा आ रहा। आज के खास कलाकार बनी संजय कुमार मिश्रा जी और भौजी तो हमारे एकदम आज अलग रंग में बड़ू तहार तक जुड़े गुलाब के फूल। संजय बाबू एक खुफिया बात बटे जो हम डर से नहीं की पूछा कर देगी। आई नो अच्छा हाँ तो पूछा तू जाना पारिवारिक बात। दर्शक लोग हमरा ये पता लगल बा कि जे कलाकार के आवाज और गायकी इतना अच्छा बा, इनका घर में एकदम चला था। 1 2 3 4 अरे समझा के बोलिए एक बार, ऐसे पूछिए ना, समझ गए होंगे, बताइए। जी हाँ, हमारी वाइफ पत्नी जी बहुत अच्छी कथक डांसर हैं। अब का इरादा बदल जी? देखा भौजी अब यही लगले हमने कि आज भर के दिन भर के समाचार जाना था, हाल चाल जाना था, भविष्यवाणी ना भविष्यवाणी। तो चलिए दर्शक लोग तैयार हो जाए, दिन भर के हाल चाल जानल जाओ अपन कार्यक्रम ग्रह गोचर में। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने के अब संजय कुमार मिश्रा जी के साथ में बैठल बनी से दर्शक लोग भोरे भोर के बेरा बटे, बहुत अच्छा लगा था। और अब हमने के और कुछ जाना था यहाँ के बारे में। अब तक के संगीत के जो सफर बटे बहुत कुछ रुआ पैनी, बहुत कुछ अचीव कैनी, लेकिन ओमे से कुछ अचीवमेंट जोन बा जोन हमने के जाने के चाहते निशा उपलब्धि अब तक के। बीएचओ में हम लोग पढ़त रहनी जी, तो वहाँ से यूथ फेस्टिवल में हमरा के गोल्ड मेडल मिलल। फिर बम्बई से हम भारत के प्रतिनिधित्व करे बदे हम बाहर दोहा कल्चरल फेस्टिवल में गए नी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ हर तरह का गाना पहले गवा के टेस्ट करल गेल कि जे लाइट भी गा सकेला क्लासिकल भी गा सकेला, तो सिलेक्ट करके हमें लोग ले गए ना। वाह, फिर काफी उधर भी सराहना भेल। तो दर्शक लोग के तरफ से और हमनी के तरफ से संजय कुमार जी खातिर ढेर सारा शुभकामना देता नहीं कि उपलब्धि के लिस्ट कभी जीवन भर कभी खत्म ना हो, लंबा होता रहे। और एक साथ में वो गीत सुनने के लालच में। बिल्कुल बिल्कुल सुनवावल जाए, सुनवावल जाए। बीतला फगुनवा अलसावे मनवा, आवना साजनवा। इतना सुरीला मिजाज से हमर भौजी एकदम सुर में पूरा एकदम डूबल बड़ी। और काहे कि आज एगो असर होला, आज हमने के अतिथि जी बानी वहाँ के नाम बटे संजय कुमार मिश्रा जी, जी काफी सुरीला बानी। चलिए संजय बाबू अब हमने के कुछ ना पूछ हम सब। फागुन बीतल मन कैसन हो गेल बा ओकरा बाद, तो हमरा वही टाइप के कुछ सुने के बात बात बा।
डोले रसवंती बैरिया हो रामा है डोले रसवंती बैरिया हो रामा सगरी नगरिया डोले रस वंती बरिया हो रामा सगरी नगरिया डोले रस ती बरिया हो रामा सगरी नगरिया डारी लहरे कंचन पाती परा के डारी लहरे कंचन पाती परा के डारी लहरे कंचन पाती निमिया झरे जैसे लवंग इलाची निमिया झरे जैसे निमिया झरे जैसे न लवंग चीनी मिया झरे जैसे लवंग इलाची खुल गईले हो खुल गईले गंध की गठरिया हो रामा खुल गईले गंध की गठरिया हो रामा सगरी नगरिया भूल गईले गंध की गठरिया रामा सगरी नगरिया डोले रसवंती बरिया हो रामा सगरी नगरिया डोले रसवंती बरिया रसवंती बैरिया रामा डोले रसवंती बैरिया 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 रामा रसवंती बैरिया रामा सगरी नगरिया डोले रसवंती बैरिया ओ रामा सगरी नगरिया सगरी नगरिया डोले रसवंती हो डोले रसवंती डोले रसवंती बैरिया रामा सगरी नगरी
आज रुवा ऐनी बहुत खुशी मिलल, ढेर सारा धन्यवाद, शुभकामना, शुक्रिया और प्रणाम भी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोग यहाँ करनी है संजय कुमार मिश्रा जी, कैसन लागल फिर से एक बार चिट्ठी लिखी और अब लिखी साथे साथे नुस्खा। आज के नुस्खा ये बाकी, अगर आपके दांत में बा दर्द, मसूड़ा में बा दर्द, तो वहाँ एक लौंग के दबा के सूत जाए रात भर और ना दिन भर काम करे के बाद। बोल आगे बोला। दिन भर काम करे बाद तो लौंग के तेल के वहाँ पर लगा के देर तक छोड़े के चाहिए, मिलेला आराम। ओ से अगर ना दर्द खत्म होके तो दांत के तुरवा दिला काम बटे। जैसे हमर भौजी के कष्ट जब आपके हुई तब आजमाल जाए। जैसे हमर भौजी के नकली दांत बा। हाय रे राम, देवर जी, देवर जी। देखो भौजी, एगो चिट्ठी आइल बटे जान कुमार दास के, जीजी रोड गुरियापुर पलबागन। अच्छा, का लिखत अने भाई? यो तो पढ़ल, बिहाने बिहाने प्रोग्राम में हम पहला बार पत्र भेजतानी। रउआ विजया जी और अजीत जी, हम दोनों के प्रणाम करतनी। हमनियों के आपके प्रणाम करतनी। और लिखतनी, रउआ कैसन बानी? एकदम तंदुरुस्त। रउआ के प्रोग्राम में बहुत कुछ बा, जैसे गीत संगीत, तीर्थ यात्रा, एक खातिर योग भी बाटे। घर के लोग ये प्रोग्राम के देखेला, पूरे परिवार के साथ देखेनी। हमार नाम बाटे जान कुमार दास। जान कुमार दास जी, आप अपना जान प्राण के मैकरा में चिट्ठी में शामिल क के जे भेजनी है अपन मन के बात, ओकरा खातिर हमनी के बहुत आभारी बानी। बहुत अच्छा लागल आपके पत्र पढ़ के, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए। एकरा साथे अब टाइम हो गेल बा भैया लोग, दर्शक लो, माई बहन लो, की जाय सामने के रोलो के बीच से, लेकिन काल तो मिले के वादा पक्का बाटे। हाँ, वादा तो बा, और माई बहन, चाचा, काकी, इस सब रिश्ता के अतिरिक्त भी एक रिश्ता होला दुनिया में, लेकिन वो रिश्ता के सुख सबके नसीब में ना रहेला तो केहू का करे। ए छोड़ा ना, ए छोड़ा ना, छोड़ा तू का करिए का, तू पंगा कर लो, जाय कर, तू पंगा झगड़ा कर लो, अपन चाल सुधार ला, तेरा हाथ में छट्टी तब बोली हमारे। दर्शक लोग देखिए, ऐसा ना कहम कि झगड़ा इन हो जाई बड़ी, कहम कि एकदम अति सुंदर विचार के एकरे में तहार भलाई बात ये कहते रहिया जिंदगी जाई के साथ काल हमनी के मिलते से, तब तक खातिर हम अजी तारत और हम विजया भारती की तरफ से रहुआ सबके हाथ जोड़ के बहुत 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 प्रणाम। बिहाने बिहान।